यदि आपकी किचन के अंदर ये पांच चीजें हैं तो सावधान हो जाइए, आज ही उन्हें आप अपनी किचन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि हम जो देखते हैं इतनी सारी बीमारियां, कैंसर, टीबी, बोन की वीकनेस, किडनीज का फेलियर, लिवर का फेल होना, लंग्स की फाइब्रोसिस होना, अस्थमा होना, इवन जो घुटनों का घिसना है, और कैंसर जैसे बड़े रोगों की जो बीमारियों की जड़ है वो हमारी किचन के अंदर ही रहती है। हम आज अपनी किचन से उन पांच चीजों को निकाल के फेंकेंगे जो कि इन सभी बीमारियों का कारण बनती हैं। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार विर्क हॉस्पिटल करनाल से, करनाल पल्स के माध्यम से आज आपको उन पांच चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपको किचन से आज ही हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लंबे टाइम पे तक यूज करने से बीमार बना सकती है। तो सबसे पहली वो चीज जो बनाती है हमें बीमार वो है नॉन स्टिक कुकवेयर। ये वो बर्तन होते हैं जिनके अंदर खाना चिपके ना, उसके लिए एक काले रंग की टेफलोन की परत इसके अंदर यूज की जाती है। टेफलोन एक टॉक्सिक मटेरियल है। जब आप इसको अपनी गैस पे रख कर इसको जलाते हैं और गर्म करते हैं तो इसके अंदर से एक अलग तरह का धुआं निकलता है, जिसके अंदर हैवी मेटल जैसे कि कैडमियम, एल्यूमिनियम जैसे हैवी मटेरियल होते हैं जो कि आपकी बोन्स के अंदर तक चले जाते हैं और आपकी हड्डियां हैं उन्हें मजबूत कमजोर कर देते हैं, ताकि और उसके अलावा ये हमारे जो किडनीज हैं उसके अंदर भी चले जाते हैं, जहां पर लंबे टाइम तक यूज करने से जो आज के जमाने में डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है और किडनीज के फेल होने की दिक्कत आ जाती है, वो इन हैवी मेटल की पॉइजनिंग से आती है। तो ये उसके अलावा ही हार्मफुल केमिकल आपके शरीर के अंदर कैंसर तक की बीमारियां कर सकते हैं, इसीलिए हम इन हैवी जो कुकवेयर है, जो नॉन स्टिकी कुकवेयर है, उनको आज ही अपने किचन से निकाल देंगे। उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ती, सबसे हल्का मटेरियल माना जाता है। जैसे जैसे ये गर्म होता है इसका वजन कम होता जाता है। आप एक काम करें, एक एल्यूमिनियम का बर्तन लें, उसको आप अपने घर के अंदर 3 से 6 महीने तक यूज करें, आप देखेंगे कि 150 ग्राम उसका वजन कम हो जाता है, क्योंकि गर्म होने के साथ इसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं वो हमारे खाने में मिल जाते हैं, और एल्यूमिनियम एक हैवी मेटल पॉइजनिंग के अंदर आता है। WHO के हिसाब से 50 मिलीग्राम से ज्यादा एल्यूमिनियम यदि आपकी बॉडी में है तो वो हार्मफुल है। एल्यूमिनियम से क्या होता है, एल्यूमिनियम से हमारी किडनीज और लिवर दोनों ही फेल होते हैं। लोग क्या करते हैं, लंबे टाइम के बाद आते हैं, बताते हैं कि उनकी किडनीज के अंदर डायलिसिस हो रही है या लिवर फेल होने लगा है। हैवी मेटल पॉइजनिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और ये एल्यूमिनियम उसी हैवी मेटल पॉइजनिंग में आता है। इसे भी हम आज अपने किचन से निकाल देंगे। यदि आप इस तरह से अपने किचन से चीजें निकालते रहेंगे तो फिर उसके सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है कि हमें एल्यूमिनियम को निकालने के बाद स्टील को एडॉप्ट करना पड़ेगा। स्टील, स्टेनलेस स्टील एक ऐसा एलॉय होता है जिसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्ट नहीं करता है। आप यदि इसको यूज करते हैं तो इससे कोई हार्मफुल केमिकल नहीं निकलता है। ये हैवी बेस के मटेरियल होते हैं जिसको आप लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं और जो हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाते। तो स्टेनलेस स्टील जो कि एक इनर्ट मटेरियल है उसको यूज करने से हम इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं, तो इसको हम अपने पास रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज जो हमें सबसे ज्यादा हार्मफुल हमारे किचन में मिलती है वो है प्लास्टिक। हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के अंदर खाना पैक करते हैं, उसके साथ पोलोथीन यूज करते हैं। इनके अंदर एक जो प्लास्टिक की बोतल है, पानी भी प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं, इसके अंदर बिस्फिनोल ए नाम का एक केमिकल होता है। आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में बिस्फिनोल फ्री चीजें भी लिखी जाती हैं, मगर वो बिस्फिनोल ए की बजाय बिस्फिनोल एस का यूज करते हैं जो कि इक्वली हार्मफुल है। प्लास्टिक हम सबको पता है कैंसर, कैंसर के लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है वो है प्लास्टिक और पोलोथीन्स का यूज होना। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी कम करता है, जिसकी वजह से आदमी के अंदर शुगर हो सकता है, और शुगर हर बीमारी की जड़ है। शुगर होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, शुगर होगा तो आपके जख्म टाइम से नहीं भरेंगे, और यदि शुगर होता है तो हमें हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। लोग अक्सर आते हैं मेरे को, कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्यों हो गया, क्यों लोगों को कैंसर हो गया, क्यों ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, तो उन सब का कारण है ये मटेरियल प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम यूज नहीं करेंगे, प्लास्टिक की बजाय फिर हम क्या यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक ऐसा माना जाता है कि ये हमारी शरीर से, हमारे समाज से हट ही नहीं सकता। नहीं, प्लास्टिक की बोटल्स के बजाय आप लोग यूज करेंगे कॉपर की बोटल्स, जिसका पानी आपको हेल्दी बनाता है। उसके अलावा आप उसके साथ स्टेनलेस स्टील की बोटल्स भी यूज कर सकते हैं, और खाने को पैक करने के लिए प्लास्टिक के डिब्बों की बजाय
स्टेनलेस स्टील से कोटेड प्लास्टिक के डिब्बे यूज किए जा सकते हैं, या फिर प्योर स्टेनलेस स्टील के डिब्बे भी हमारे पास होते हैं, इनको हम अपने किचन में रखेंगे, ये हमारे को बीमार होने से बचा लेंगे। और एक बड़ी चीज जो हमारे शरीर में हमारे दिमाग की जो मेंटल पावर है उसको कम करती है, सोचने समझने की शक्ति को कम करती है, याददाश्त को भी कम कर देती है, वो चीजें हैं एल्यूमिनियम की फॉयल। एल्यूमिनियम की फॉयल उस एल्यूमिनियम के बर्तन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बहुत पतली होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। हम क्या करते हैं, गर्म गर्म रोटियां इसके अंदर पैक करते हैं, अच्छे से लेके जाते हैं, और लगता है कि हम घर का बना हेल्दी फूड खा रहे हैं, मगर नहीं, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इसी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम, लेडीज के अंदर हॉर्मोनल प्रॉब्लम्स, लेडीज के अंदर जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या फिर जो इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, वो इन एल्यूमिनियम के हार्मफुल केमिकल से आते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम की फॉइल को भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है बटर पेपर। बटर पेपर एक पेपर होता है, सिंपल पेपर की तरह से होता है, इसके अंदर हल्का फैटी एक लेयर होती है, जिसकी वजह से ये स्टिक नहीं होता है आपके खाने से, आपकी रोटियों पर चिपकता नहीं है, और इसको रखने से भी रोटियां गर्म और फ्रेश रहती हैं। जो लोग बटर पेपर यूज नहीं करना चाहते, दूसरा उसका ऑप्शन है सूती कपड़ा। घर के सिंपल सूती कपड़े के अंदर यदि आप खाना पैक करेंगे तो आप सभी बीमारियों से बच सकते हैं। अगली चीज, आज आप देखा होगा आज के जमाने में 40 साल की उम्र होती नहीं है कि घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं, और लोग कहते हैं सर इतना जल्दी कैसे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है रिफाइंड ऑयल्स। जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं उनको जो सिंपल ऑयल होता है उससे गर्म करते हैं 600-600 डिग्री के टेम्परेचर पर, और उनको डियोड्राइज किया जाता है तथा उनको प्योर करने के लिए हेक्सानोल नाम का एक केमिकल यूज होता है। हेक्सानोल इज टॉक्सिक, वो एक ऐसा जहर है जो आपके शरीर से ग्रीस को खत्म कर देता है तथा हार्ट अटैक की बीमारियों को बढ़ाना, इसके अलावा आपको शुगर भी केमिकल्स की वजह से ही होता है। तो रिफाइंड ऑयल्स को हम यूज नहीं करेंगे। उसकी बजाय तो सोल्यूशन क्या है, रिफाइंड यूज के ऑयल के बजाय हम लोग यूज कर सकते हैं सरसों का तेल, जैतून का तेल जिसे ओलिव ऑयल भी बोला जाता है, या सिंपल कोकोनट ऑयल। ये ऑयल आपको वो चीजें, हेल्दी चीजें देते हैं जिसमें ओमेगा एसिड्स हैं, फ्री फैटी एसिड्स हैं, जो आपकी आर्टरीज को भी हेल्दी रखते हैं और आपको हार्ट अटैक, शुगर, या फिर आपके घुटनों के घिसने की बीमारी से भी बचा के रखते हैं। तो आज करनाल प्लस को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने एक एजुकेशन सीरीज को शुरू किया है। थैंक यू।